हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग स्टेट में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसके हमें कुछ विशिष्ट फॉर्मूले दिए हुए हैं। इस फॉर्मूले के द्वारा हमें सूचकांक को ज्ञात करना सीखना है बच्चों, ठीक है। तो आज हम लोग सर्वप्रथम फॉर्मूला देख लेते हैं और लास्ट ईयर पास और फिशर और भारित औसत की विधि के सही फॉर्मूले आपको याद करने रहेंगे। और एक चीज़ हम लोग ये अध्ययन करेंगे कि फिशर के सूचांक को हम लोग आदर्श सूचांक क्यों कहते हैं। इन सब के बातों को आज हम लोग पढ़ेंगे, ओके। और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बच्चे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ओके। तो ध्यान दो, सूचांक के गणना के लिए हमें बच्चों चार सूत्र यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो अपना सर्वप्रथम जो है भारित औसत की विधि से हम लोग करेंगे, ठीक है। भारित औसत की विधि से सूचांक कब ज्ञात करेंगे बच्चों, देखो जब भी आपको इंडेक्स आई फोर क्या होता है, इंडेक्स निर्देशांक और डब्ल्यू मतलब वेटेज दिया होगा। वेटेज नहीं दिया होगा तो हम लोग वेटेज के अनुसार देंगे, ठीक है, भार जिसे बोलते हैं। तो उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, भारित औसत की विधि से ज्ञात करेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू, ठीक है। सेकंड में क्या दिया आपको, लास्ट ईयर का सूत्र। लास्ट ईयर को बच्चों हम लोग आई एल द्वारा डिनोट करते हैं, कैपिटल आई और स्मॉल एल, ठीक है, ऐसा छोटा सा। तो लास्ट ईयर का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा पी वन क्यू जीरो अपॉन में सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो मल्टीप्लाई हंड्रेड, ठीक है। तो हम लोग तो आपका ये 1000 होगा, ठीक है, पी वन क्यू जीरो पी जीरो क्यू जीरो। तो पी वन मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे चालू वर्ष का मूल। क्यू जीरो मतलब क्या होता है, आधार वर्ष या गत वर्ष का, गत वर्ष की क्वांटिटी या मात्रा, ठीक है। और ये गत वर्ष का मूल्य और ये गत वर्ष का मात्रा, ठीक है। क्यू मतलब क्या होगा, मात्रा होगा। पी मतलब होता है मूल्य और जीरो मतलब गत वर्ष होता है, आपने पढ़ाई पहले भी, ठीक है। और पाँचवे का सूत्र क्या होगा बच्चों, इसे हम लोग आई पी बोलते हैं। पाँचवे का सूत्र होगा सिग्मा पी वन क्यू वन डिवाइड बाय सिग्मा पी जीरो और क्यू वन, ठीक है, मल्टीप्लाई हंड्रेड। तो इसे हम लोग अगर एक ध्यान दें तो याद कैसे रखोगे, इसे हम लोग 1101 द्वारा एक आंकड़े या भी याद रखना, ठीक है, और इसे हम लोग 1000 द्वारा याद रखेंगे, ठीक है। तो काम क्या करना रहेगा, जैसे आपको लास्ट ईयर को पहुँचता है तो आप यहाँ पी क्यू लिख दोगे, ठीक है। तो अगर लास्ट ईयर का है तो हमें 1000 लिखना है, तो पता है तो 1000 लिख देंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। अगर किसका बच्चों, पाँच से का दिया है, ठीक है, तो पाँच से हमने क्या याद किया, 1101 याद किया है, ठीक है। तो पी क्यू यहाँ भी आएगा आपका पी क्यू, तो 1101 यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। आप लोग याद भी कर सकते हो, जैसे जिस बोल लो बच्चों को याद नहीं रहता है तो ऐसे आंकड़े से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसे आंकड़ों से याद किया था, आप लोग याद कर सकते हैं, जिससे याद रहता है कोई दिक्कत नहीं है, अपनी अपनी तरीका सब। अब ध्यान दो, लास्ट में आपका फिशर। फिशर को हम लोग आई एफ द्वारा डिनोट करेंगे, कैपिटल आई और स्मॉल एफ में बनाना है। तो इसको अंडर रूट में मतलब लास्ट ईयर और फिशर का यह वर्गमूल होता है, ठीक है, अंडर रूट आई एल और अंडर रूट आई पी, इन दोनों को हम लोग ऐसे सोल्व कर सकते हैं। और एक फॉर्मूला हम लोग चाहें तो इसका एक और बन जाएगा, देखो लास्ट ईयर का सूत्र क्या होता है बच्चों, 1000 होता है ना, और फिशर का 1101, पी वन ठीक है और मल्टीप्लाई 100। तो फिशर के दो सूत्र हैं, दोनों में से कोई भी हम लोग सूत्र लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 100 100 दो है तो 100 बाहर आ जाता है, ठीक है, आप स्क्वायर रूट में सीख चुके हो, ये सब छोटे बच्चे थे आप। तो ये चार फॉर्मूले दिए बच्चों, चारों फॉर्मूले द्वारा हमें क्वेश्चन को सोल्व करना रहेगा। अब ध्यान दो, बुक में आप लोग पेज नंबर 21 पे आ जाइए, ठीक है। इसने एक चीज़ हमें बोला बच्चों, फिशर के सूचांक को आदर्श सूचांक क्यों कहा जाता है, ये आपको एक मार्क्स में अगर पूछ सकते हैं, कौन से सूचांक को
आदर्श सूचकांक कहा जाता है, तो फिशर के सूचकांक को, ठीक है। और कभी कभी दो मार्क्स भी पूछते हैं कि किन कारणों से इसे हम लोग आदर्श सूचकांक कहते हैं। तो आप ध्यान दें बच्चों, यहाँ चार पॉइंट दिए हुए हैं, चार पॉइंट में से आपको चारों पॉइंट याद करने हैं, आप पूरा लिख देंगे, आपको दो मार्क्स आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दो, पहला क्या दिया है, इस सूचकांक की रचना में चालू वर्ष व आधार वर्ष ऐसे दोनों वर्ष की मात्रा की गणना में लिया जाता है। ध्यान दें बच्चों, जो अपना फिशर की विधि है, फिशर की विधि में हम लोग चालू वर्ष और गत वर्ष या फिर आधार वर्ष दोनों की मात्रा और मूल को ध्यान में लिया जाता है, ठीक है। इसलिए ये सबसे बेस्ट मेथड, मतलब चालू वर्ष और गत वर्ष सबको ध्यान में ले रहे हैं, इसलिए बढ़िया सबसे अच्छा मेथड है। यह सूचकांक के महत्वपूर्ण दोनों मूलभूत परीक्षण समय और क्या लिखा है, विपर्यास एवं पद विपर्यास का समाधान करता है, ठीक है। ये जो सूचकांक है, जो परीक्षण के समय, परीक्षण मतलब क्या होता है, जब एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं किसी भी क्वांटिटी या मात्रा का, ठीक है, उसका विपर्यास एवं पद विपर्यास का समाधान करता है, मतलब उनके भी जो लगभग एक प्रकार से जो सभी प्रकार की जो त्रुटि होती हैं, जो खामियां होती हैं, उन सबको एक प्रकार से दूर करता है, ठीक है। इस सूचकांक में आनुपातिक माध्य का उपयोग होता है, जिसे सूचकांक की रचना हेतु श्रेष्ठ माध्य माना जाता है, ठीक है। ये जो फिशर की विधि है, इसमें हम लोग आनुपातिक माध्य का उपयोग करते हैं, कैसे, देखो बच्चे, हम लोग इसे अनुपात में लिए है ना, ठीक है, अनुपात में लिए, इसलिए हम लोग आनुपातिक माध्य का उपयोग करते हैं, और इसीलिए इसे श्रेष्ठ माध्य माना जाता है, ठीक है। यह सूचकांक पूर्वग्रह से मुक्त होता है, क्योंकि यहाँ लास्पियर और पांसे के सूचकांक बने दोनों का निवारण करके संतुलित करता है। ये जो आपकी फिशर की विधि है, ये पूर्वाग्रह और पक्षपात से मुक्त होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लास्पियर और पांसे के दोनों का मिश्रण है, दोनों के सूत्रों का यहाँ क्या बच्चों, मिश्रण है, और उसी के द्वारा हमें एक अच्छा एक अच्छा आंसर यहाँ पर मिलता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसे बेस्ट मेथड बोल सकते हैं, ठीक है। इन्हीं कारणों से इसे हम लास्ट ईयर को सबसे अच्छा मेथड बोलते हैं, एक आदर्श सूचकांक कहते हैं, ठीक है। तो चार पॉइंट हैं, पहला क्या था, इसमें चालू वर्ष के मूल्य और गत वर्ष के मूल्य मात्रा को दोनों ध्यान में लिया जाता है, ठीक है। ये समय के मूलभूत जो पद होते हैं, विपर्यास और पद विपर्यास का समाधान करता है, ठीक है। थर्ड क्या दिया था, यहाँ पे अनुपातिक माध्य का उपयोग होता है, और फोर्थ क्या है बच्चों, ये पूर्वाग्रह से मुक्त होता है, मतलब इसमें किसी प्रकार से भेदभाव नहीं होता है, ठीक है। तो चार पॉइंट आप लिखेंगे, आप आसानी से दो मार्क्स ऑप्टेन कर सकते हैं, ओके। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग भारित औसत की विधि से देख लेते हैं, ठीक है। 11 देखो, मैं मिला देता हूँ इसे, आप लोग से लिख लेना, ठीक है। पांच विभिन्न वस्तुओं के मूल्य एवं भारित संबंधित निम्न सूचना से वर्ष 2011 के आधार पर से 2016 के सूचकांक की गणना के भारित औसत की विधि से कीजिए। तो मैं पांच वस्तु दिए हैं, ए बी सी डी और ई, ठीक है। और बच्चों में भार दिया यहाँ पे 40, 25, 5, 20 और 10 दिया है, ठीक है। भार को क्या बोलते हैं लोग, डब्लू बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ मूल्य दिया है 2011-2016 का, तो जो 11 दिया उसे हम लोग P0 मानेंगे, 160, 400, 50, 10 और 2,
और पी वन दिया आपको 2016 का, इसे पी वन मान, जो करंट का होता है उसे पी वन मानते हैं, जो पिछला होता है उसे पी जीरो मानते हैं, ठीक है। 200, 600, 17, 18 और 3, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, तो सर बता हमें क्या चाहिए भाई, जो आई चाहिए, ठीक है, क्योंकि सिग्मा आई डब्ल्यू चाहिए ना हमें इसलिए। तो वाई फॉर्मूला क्या होगा, पी वन पी जीरो मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पर लोग आई डब्ल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जो निकालिए 200, 160 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। सॉल्व करेंगे 125 आएगा, ठीक है। इसी तरह ये भी सॉल्व करते हैं, 600 डिवाइड बाय 400 मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे 70 डिवाइड बाय 50 डिवाइड बाय 100, 18 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 100, 3 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 125 आया, 150 आएगा, 140, ये आएगा आपका 180, 1 आपका 150, ठीक है। अब क्या करना है हमें, सिग्मा IW को IW मल्टीप्लाई करना, W ये रहा, I ये रहा, ठीक है। तो 40 और 125 5000, ठीक है। उसी तरह भी 150 मल्टीप्लाई 25 करेंगे, 3750, 140 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा आपको बच्चों, 700, 180 मल्टीप्लाई 20 कितना होगा, 3600, ठीक है। फिर 150 मल्टीप्लाई 10 कितना होगा बच्चों आपका, 1500। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, सिग्मा आई डब्ल्यू चाहिए और सिग्मा डब्ल्यू चाहिए, ठीक है। तो सिग्मा डब्ल्यू कितना बच्चों, 23, 70, 90, 100, सिग्मा डब्ल्यू हमें 100 दिया है, ठीक है। और सिग्मा आई डब्ल्यू कितना दिया है, 14,550, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, 2016 का सूचकांक निकालना है, तो फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। वर्ष 2016 का सूचकांक सिग्मा आई डब्ल्यू इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू, ठीक है। तो सिग्मा आई डब्ल्यू कितना दिया बच्चों, 14,550 डिवाइड बाय 100, 0 0 कैंसिल, तो क्या है यहाँ पे, 145.5, ठीक है। ये आपका होगा 145.5, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अगर आगे इसमें पूछा होता हूँ, बस मैं इतना ही पूछा है, ठीक है। तो आपका वर्ष का सूचकांक हो गया 2016 का। अब इसी तरह बच्चों आपको कुछ एग्जांपल दिए रहेंगे, तो आप सिंपल कर लेना। आपको आई अगर डब्ल्यू दिया, अच्छी बात है, डब्ल्यू तो हमेशा दिया ही रहता है, आई कभी कभी नहीं दिया होता है, तो आई हम लोग ऐसे फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है। आई हमें निकालना सिखाया था, तो उसका पी वन अपॉन पी जीरो मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस सॉल्व करना, और नेक्स्ट एक हम नेक्स्ट वीडियो से हम लोग लास्ट ईयर फिर से और 5-6 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और आप लोग
अच्छे से इसे सॉल्व करना, उसके बाद हमारे चैप्टर पार्ट वन इस चीज का समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू।